craft person making all kinds of things, either in their own. Shishi. अभी आ जाओ। पापा को परेशान कर रही है। मंकी। बाय मम्मी। नाइस। परिया मेरी डिटो सेम है। डिटो। राम राम जी आप सभी को। तो ये है मेरा शनिवार यानी सैटरडे का व्लॉग। बच्चों के चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम और आज सैटरडे वाले दिन मम्मी पापा जी ने सुबह ही मुझे फ़ोन कर दिया था कि बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से तू तो हमसे मिलने आ नहीं पाएगी, तो हम दोनों ही बच्चों से मिलने आएंगे। तो मैंने आज क्या किया, मैंने आज जल्दी उठ के बच्चों को उठा के तीनों बच्चों को आज सबसे पहले नहला दिया ताकि नानू नानी के आने से पहले ही समायरा और अदीरा अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि जब एक बार अगर घर में कोई आ जाता है, कोई रिलेटिव या कोई भी हमारे यार दोस्त, तो बच्चे हमारे साथ साथ बच्चे भी ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले 2-4 घंटे अगर सुबह के टाइम में ये पढ़ लें तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह सारों मिट्टी को नहला धुला के बिठा दिया है पढ़ने के लिए। तो बच्चों को सेटल करने के बाद मैं भी अपने सारे कामों में लग गई हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ना एक बहुत अच्छी सी बात शेयर करूँगी कि जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं आई ऑलवेज़ गिव माई 100%। मैं कोई भी लू या पोल नहीं छोड़ती हूँ कि चलो ठीक है ऐसे ही बना देते हैं, कोई बात नहीं, उसके जो नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे वो अच्छा बना देंगे। मुझसे ऐसा नहीं होता है। चाहे मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट आए लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ कि मुझे किस एंगल से अपना व्लॉग शूट करना है, कैसे उसमें क्लियरिटी डालनी है, हर चीज़ का मैं वॉइस का हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ जो भी व्लॉग मैं शेयर करती हूँ ना, मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग बोलते हो ना कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत मज़ा आता है आपका व्लॉग्स देखने में। तो सीरियसली मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों तरफ से ही चीज़ें होती हैं। जब हम अच्छा आप लोगों को डिलीवर करेंगे और आप लोग जब उसके बारे में अच्छा बोलेंगे तो हम दोनों को ही खुशी होगी। तो यहाँ पर मैं अपना घर का जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने समेट के मैं लग गई हूँ अपने किचन में। लेट के पीते हैं तो दू जाओ। बोलो
क्या कर रहे हो? हम आ चुके हैं और बहुत मजा आएगा, बट मेरे ट्यूशन भी है। नानी यहाँ बैठ गई है, देख रही है मम्मा ढंग से खाना बना रही है ना, है नानी? क्या आज के मेन्यू में क्या है शेफ? के मेन्यू में है भिंडी की सब्जी, जो कि नानू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और पनीर की सब्जी, जो कि नानी को बहुत पसंद है। दोनों की मनपसंद चीज़ें हैं, मैं दोनों ही खाऊंगी। भिंडी तो आपको, तेरे को पसंद था? नहीं, भिंडी मीठी मीठी। अब मेरे को भी पसंद है, क्रिस्पी वाली बना रही हूँ। क्रिस्पी भिंडी? फिर तो मां वो भी तो होती है ना, एयर फ्राई वाली भिंडी। बेटा वो हेल्दी नहीं होती, वो बस टेस्टी होती है। ओके, हेल्दी चीजें खानी चाहिए, है ना? बना ही दादी दादी ना ही। इतनी सॉरी, कलर वाली है। हाय, बोलो सब्सक्राइब करो, बोलो बोलो चलो, बोलो सबको सब्सक्राइब करो। इधर आओ, इधर आओ। बस बन गया, भिंडी तैयार है, सब्जी बन गई, एक उबाल आएगा बस। तो यहाँ पे आज लंच बनाते वक्त मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, ना ही आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी, जैसे मैं करती हूँ ना हमेशा वॉइस ओवर करके, वो इसलिए ताकि आपको ओरिजिनल साउंड सुनाई देता रहे कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पनीर की सब्ज़ी भी बना दिया, थोड़ी ग्रेवी वाली, और भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने साथ के साथ ही बना दी थी। अब मैं यहाँ पर रायते में लगा रही हूँ तड़का, जो धुंगार वाला रायता बनता है, क्योंकि हमारे घर में सबको ज़्यादातर यही रायता पसंद है। तो फाइनली बनकर तैयार हो गई है मेरी पनीर की सब्ज़ी। ये मतलब पनीर दो प्याज़ा कह लो आप, थोड़ा सा ग्रेवी वाला पनीर कह लो, कुछ भी कह लो, मैं पनीर को ना सौते नहीं करती हूँ, मतलब डीप फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर ये लगता है कि जो पनीर में हेल्थ होता है ना वो सारा जल जाता है अगर हम उसे डीप फ्राई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रायता बनकर तैयार हो गया है, और अब बारी है सबका लंच करने की। ना ना, अरे पापा जी खा लो, आप खा नहीं रहे तो फिर आएंगे नहीं, नीचे चलेंगे। पापी आ जाओ, खाएगी जाओ, आप खा लो दादी के साथ जाओ। आज दिखाएगी नहीं, मेरी नानी आई है, हैं? ओ मम्मा, ये ले मम्मा, पिकू जाओ आप भी ले लो, मम्मा जाओ, जले क्या नोटी है तो ये इससे बढ़ कर एक इससे बढ़ कर एक है दोनों। आ जाओ मुन्नू को खा जाओ, मुन्नू परेशान कर रही है अपनी मम्मा को, अपनी मम्मा को परेशान कर रही है। मंकी आ जा, मुन्नू को खा जा, हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात है। आज
ऐसी वाकिंग की वाकिंग इस प्लेन साड़ी मेरे पास भी और ऐसे थोड़ा सा लेट गई हैं। मम्मी ने कहा कि आज बच्चों की छुट्टी है तो मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ ही रह लूँ, तो मैंने कहा इतनी देर में आप लोगों से थोड़े से इंटरेक्शन कर लूँ। आज मैंने पहना है बहुत ही सुंदर सा सूट, फुल फ्लेयर है इसका ना। वैसे तो मेरे को इतना हैवी सूट घर में पहनना नहीं था, लेकिन मम्मी पापा ही आ रहे थे तो अच्छा लगता है ना जब बेटी घर में अच्छी अच्छी बन के सारा काम करती है, तो माँ बाप को ही सबसे ज़्यादा खुशी होती है, उससे लगता है ना माँ बाप को कि बच्चे अपने घर में खुश हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज ये थोड़ा सा हैवी सूट पहन लेती हूँ। ला ड्रेस है सूट, क्या कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना। बाय 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 ला कुछ कर दो। हमने कच्ची नहीं दूंगी ये चेतना। हाँ सिला दूंगी मैं दोबारा, सिला दो। चलो बाय, फोन कर देना पहुँच के। हाँ हाँ बाय। सरकार कोशिश से थैलन ले लियो। हाँ ले हैं। हाँ ले लिए ले लिए। ठीक है बाय बाय, राम राम। बाय राम राम। बोल जाना मम्मी से ना एक बार, अभी लेट होंगी थोड़ी देर। बाय मम्मी। बाय बाय बाय। अच्छी लगी है। अरे ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, कितने क्यूट ड्रीम कैचर है सारू ये। वाओ। और चाची अपने रूम में लगा लियो। चाची मेरे एड्रेस की शूज लाई है। वाह, हैप्पी सैटरडे। ओ तेरा फेवरेट कलर, नाइस। परिया मेरी डिटो फेवरेट, डिटो। और मीठे के लिए? मिट्टू के लिए तो मैं बहुत सुंदर लाई हूँ, तो इसमें छोटे हैं। छोटे कैसे हैं? बोलती ना मेरे तेरा और, अच्छा मैं ये बताना भूल गई, तेरा और मिट्टू का सेम साइज है ना, मैं ये भूल गई। पूछ आया था चाची का फोन। हाँ जी मैडम जी, पेन आए, न्यू शूज आ गए। देखा शूज लवर अदीरा एडिडास के। वाह माय डियर यूट्यूब फैमिली, टाइम आ गया है आप सभी को बाय बाय कहने का। ये थोड़ा सा व्लॉग जो बाय बाय वाला व्लॉग है, वो मैं नेक्स्ट डे यानी आज के दिन संडे वाले दिन सुबह में थोड़ा सा शूट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने थोड़ा सा ही व्लॉग मतलब बनाया था जिसमें सारू बच्चे कुछ अपने गिफ्ट्स वगैरह दिखा रहे थे। उसके बाद मैं और ये चले गए थे डिनर करने के लिए बहुत दिनों के बाद, क्योंकि पहले सावन के व्रत रखे थे तो मैं कहीं जा ही नहीं पा रही थी, कुछ बाहर का खाना पीना हो नहीं रहा था, तो कल हमने सोचा कि कहीं जाते हैं, तो वहाँ का मैं नहीं व्लॉग शूट कर पाई क्योंकि इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है अपनी मतलब बाहर जब जाते हैं तो उसका व्लॉग शूट करवाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो अभी मैं करती हूँ इस व्लॉग को ख़त्म, संडे है, बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन्हें अभी पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। कल मंडे है, दोनों का टेस्ट है, पेपर है, दोनों का एग्ज़ाम है। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। ये व्लॉग ख़त्म करने से पहले एक बहुत छोटी सी मोटिवेटेड और पॉजिटिव बात आप लोगों से बोलूँगी, वो ये है कि जैसे हम अपनी खुशियों के लिए खुश होते हैं ना, कि हमारे साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे साथ अच्छी होती हैं ऑन द डेली बेसिस, तो हम बड़े खुश होते हैं कि अच्छा आज हमने ये किया, अच्छा आज हमने नया सूट लिया, अच्छा आज हमने ये, मतलब कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि जब हमारी जो हमारी खुशियाँ होती हैं ना, जो हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम बड़ा खुश होते हैं, वैसे ही हमें दूसरों की खुशियों के लिए भी खुश होना है। जब दूसरों के साथ कुछ देखें ना कि इसके साथ ये अच्छा हो रहा है, इसके साथ ये अच्छा हुआ, चाहे वो छोटी छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, तो खुश होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंसान खुश होता है ना तो भगवान उसके साथ खुश होता है, मेरा तो यही मानना है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अपनी खुशियों में तो सब खुश होते हैं, जब हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं ना, उसे जिगरा कहते हैं। बाय बाय, आई लव यू ऑल।